नमस्कार भाइयों, भाइयों रीजनिंग पढ़ाए हुए मैं कई बहुत दिन हो गए हैं, तो आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक ले रहे हैं। ये जो रीजनिंग का टॉपिक है भाई, ये अंग्रेजी वर्णमाला से जुड़ा हुआ टॉपिक लेते हैं आज। इसमें जो है कोई एक चैप्टर नहीं कह सकते, इस अंग्रेजी वर्णमाला पर बहुत सारे चैप्टर डिपेंड करते हैं, चाहे वो बेमेल का हो, चाहे वो संबंध सादृश्यता हो, चाहे वो आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर हो, या फिर अपना आप सेपरेट एक क्वेश्चन पेपर हो, मतलब सेपरेट एक चैप्टर हो इंग्लिश वर्णमाला से संबंधित। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित होते हैं उसमें एक सवाल आ गया, मान लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तेरहवे के बाएं, बाएं ले लो या दाएं ले लो, सातवां अक्षर कौन सा होगा, इस तरह का आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से ग्यारहवे के बाएं पांचवां अक्षर कौन सा होगा, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। या फिर ऐसा आ जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ये, दाएं से ये, इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करके लिखे, फिर बाएं से ये, दाएं से ये, तो उसका बीच में अक्षर क्या होगा। तो बहुत सारे तरीके से सवाल बनाया जा सकता है सर। इनको करने के लिए इस टाइप के बहुत सारे सवाल है, ये केवल यही नहीं है, तो मैंने एक उदाहरण बताया है। इनको करने के लिए पहले हमारी पकड़ होनी चाहिए इंग्लिश वर्णमाला पर, ठीक है। तो जैसा सभी जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। तो आपको जो कुछ चीजें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इन 26 में जो आपका एम और एन है, एम और एन, ये बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी कि ए से लेकर एम तक आधी वर्णमाला है, एन से लेकर जेड तक आधी वर्णमाला है। एक बात और भाई, देखिए अभी आपको बहुत सारे भाई इन चीजों को जानते होंगे, इनमें से अगर जो मैं अभी बता रहा हूं, इनमें से अगर आपका एक भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप अधूरे हो इसमें। तो हर पॉइंट को ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी इससे मतलब आपको ऐसे तरीके पता होना चाहिए, इन चीज़ों की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप इंग्लिश वर्णमाला से खेल सको, सवाल हल नहीं कर सको, खेल सको, कैसा भी सवाल करे आप देखते ही तुरंत आंसर दे सके। तो उसके लिए कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है सर। ए से लेकर एम तक 13 हैं, एन से लेकर जेड तक भी 13 हैं, ठीक है। एम और एन बिल्कुल बीच में आते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे भाई ए से जेड तक के सारे नंबर याद नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपके सभी याद नहीं है तो सभी याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ईजोटी में आप पांच का टेबल याद रखेंगे, ई जे ओ टी वाई, पांच का टेबल, पांच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस। अभी ये बिल्कुल शुरुआत का ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल शुरुआत कह देते हैं सर, ई जो टी, पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि क्यू कौन से पर है, आप एकदम से 17 नहीं बता पा रहे, तो आपको क्यू कौन से पर है ये बताना है। तो ओ के बाद आएगा क्यू, पी क्यू, ओ के बाद पी, फिर क्यू, तो ओ 15, पी 16, क्यू 17 पर हो गया, ठीक है। अचानक से आपसे पूछा जाए डब्लू कौन से पर है, तो डब्लू आपको 23 याद नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, टी के बाद है, टी के बाद यू वी डब्लू, 21, 22, 23, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा बता सकते हो, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है सर। देखिए अभी मैं, अभी देखिए क्या होता है, अगर आपके ये याद है, हर कोई जानता है कि शुरू में ए बी सी डी कहां पर होते हैं, हर कोई ये भी जानता है कि एक्स वाई जेड लास्ट के तीन है, ठीक है, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, फिर ये हो गए, इजोटी हो गया, और हमने एक्स्ट्रा बताया एम और एन, एम 13 पर है, एन 14 पर है, तो लगभग आधी वर्णमाला हमारे याद हो गई। आपके ईजोटी याद है, ए बी सी डी हर कोई जानता है, एक्स वाई जेड हर कोई जानता है, एम और एन बिल्कुल बीच में है, ये मैं बता चुका हूं, तो आपके आधी वर्णमाला याद हो गई, बस आधे ही तो रह गए। जब प्रैक्टिस में रहोगे तो ये भी अपने आप दिमाग में फीड हो जाएंगे सर, लेकिन अगर नहीं भी होते तो आधे ही तो हैं, उनको आप कैसे भी कैलकुलेट करके बता सकते हो। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है आपको, वो क्या,
ये एक पर है, ये दो पर, ये तीन पर, ये 24, 25, 26। अब जेड जो है इधर से काउंट करें तो एक, वाई दो, ये तीन, ए को इधर से काउंट करें 26, 25, 24। अब आपको उल्टी तरफ से भी याद करने हैं, बहुत सारे रट लेते हैं, इसको भी रटो मत ना भाई, बिल्कुल भी इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है उसको देखते हैं सर। देखिए आप कोई सा भी एक्स्ट्रा उठाइए कि ए की वैल्यू एक तरफ से फर्स्ट है, दूसरी तरफ से 26 है, तो पहली और 26 दोनों का योग कितना बैठ रहा, 27 है, ठीक है। सी 24 पर तीन पर है, 24 और 3 27, तो किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू, लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू का योग 27 होता है। जैसे अभी मान लिया कोई आपसे कहे कि एस कितने पर है, तो एस 19 पर है, ठीक है, एस 19 पर है, टी से जस्ट पहले आता है, तो दूसरी तरफ से राइट की तरफ से काउंट करेंगे तो ये 8 पर हो जाएगा, 27 में से 19 घटाया 8 आ गया, तो हमें जेड की साइड की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं अभी आने वाले सवाल पर भी, पहले समझिए। मान लिया कोई कह रहा एल, एल कितने पर है, 12 पर होता है, तो राइट साइड से कितने पर होगा, 15 पर होगा, 27 में से 12 गया 15 आ गया, तो आपको राइट साइड तो कैलकुलेट याद रखना ही नहीं है सर, बस याद क्या रखना है कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन 27 होता है, तो इससे बहुत कुछ ईजी हो जाएगा आपका। आप अगर इन छोटी छोटी चीजों को याद रखें तो अंग्रेजी वर्णमाला बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी आपके, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, ईजोटी वगैरह समझ में आ गया होगा आपके, प्रभाव कैसे पड़ता है। मान लिया ये जरूरी पता नहीं कहां पर आ जाए सवाल, सवाल जैसे डॉग बराबर डब्ल्यू एल टी, डॉग बराबर डब्ल्यू एल टी, ठीक है, तो कैट बराबर क्या। अब अगर इस सवाल को देखें तो एकदम से भाई ये डी और डब्ल्यू का संबंध ढूंढना हमें बहुत आसान है भाई, अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो डी कितने पर है, 4 पर, डब्ल्यू कितने पर है, 23 पर, या ये कहिए कि D और W का योग 27 है, या ये कहिए कि W जो है 4 पर है लेकिन इस तरफ से है, ये A की तरफ से चौथा है, ये D की तरफ से, Z की तरफ से चौथा है, ये 15 है A की तरफ से, ये A की तरफ से 12 है और Z की तरफ से 15 है, ठीक है, तो 15 12 7 20, ये तो A की तरफ की वैल्यू है, तो सभी का योग 27 आ गया, ठीक है। या फिर ये कहिए ये 4 है, ये भी 4 है जेड की तरफ से, ये 15 है जेड की तरफ से, ये 7 है जेड की तरफ से, तो हमें इसकी जो हमारा मतलब शब्द दिया है उसकी ए साइड की वैल्यू और उसका जो कोर दिया है उसकी जेड साइड की वैल्यू को बराबर करना है। तो ये सी कितने पर होता है, तीसरे पर होता है ए की तरफ से, तो जेड की तरफ से तीसरे पर होता है एक्स, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये टी, ये जी, ये 7 मतलब 20वां, ये 20वां आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो मेन चीज ये है कि अगर आप इनको समझकर चल रहे हो, ए साइड और जेड साइड की वैल्यू को रट नहीं रखा, तो आप बहुत आराम से समझ कर पाएंगे इसको, क्लियर है, ये भी हो गया। अब दूसरी बात, आपसे कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि वर्णमाला में सत्रहवां अक्षर कौन सा है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आप सोचे कि भैया सत्रहवां अक्षर पूछेंगे, क्यों लगा देंगे हम, वो लैंग्वेज बनाता है सर, क्या आता है वो देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में पूरा होता है बाएं से 12वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, ऐसे पूछते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्यू, जो भी हम बता रहे थे। लेकिन याद रखना इस चीज पर हमें जो मतलब कंफ्यूज करता है वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कंफ्यूज करता है। तो एक ही संख्या 12 और 5 ही ले लेते हैं हम, इस पर 4 सवाल बन सकते हैं सर, कैसे बनेंगे उसको देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला मैं नहीं लिख रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, पहला सवाल।
बारहवें के बाएं, पांचवा अक्षर क्या होगा? तीसरा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बारहवें के बाएं पांचवा, इन पर भी बिंदु लगती है भाई, ठीक है। और लास्ट में ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बारहवें के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? देखिए, अगर आपने सिर्फ एक चीज रट रखी है तो अब आप देखिए ये चार सवाल बनते हैं। बारह और पांच से ही हमने एक ही संख्या क्यों प्रयोग की है, जिससे आप समझ सके कि अगर हमारा लेफ्ट राइट भी चेंज होता है तो भी हमारा आंसर चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। हमने संख्या वही रखी है जिससे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए देखिए, यहाँ बायां दायां है, अलग अलग हाथ है, यहाँ बायां बायां है, लेफ्ट लेफ्ट है दोनों, यहाँ राइट राइट है, यहाँ दायां और बायां है, दो, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो देखते हैं कि आंसर अलग आएगा या गलत, मतलब एक ही आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको भाई जो ध्यान रखना है वो क्या करना, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहली चीज, बिल्कुल ऐसे कितने भी कन्फ्यूजन का आ जाए, आपको ये याद रखनी है कि जब, याद रखना, बीच में नहीं पूछ रहा। मैंने जो पिछले एक एग्जाम में पूछा था, मतलब एक मॉडल पेपर में पूछा था, बीच वाला नहीं पूछ रहा इनका कि इनके ठीक बीच में क्या है। ये कह रहा है इधर से इतना काउंट करें, फिर उसके इधर इतना काउंट करें तो कौन सा अल्फाबेट आएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखना, अगर दोनों हाथ जो दे रखे हैं वो लेफ्ट दे रखे हैं तो माइनस करेंगे, दोनों राइट दे रखे माइनस करेंगे, एक लेफ्ट एक राइट है तो प्लस करेंगे। मतलब अलग अलग हाथ है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, जोड़ेंगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट है घटाएंगे, राइट राइट है घटाएंगे। तो पहला सवाल यहां पर है, लेफ्ट और राइट अलग अलग हाथ है तो मैंने क्या कहा, जोड़ेंगे। तो पहले सवाल में याद रखना, मैं सिर्फ पहले पर ध्यान दे रहा हूं अभी, पहले सवाल में 12 और 5 17वां बताना हमें, पहली चीज तो याद रखिए, पहले सवाल में हमें बताना 17वां। दूसरे सवाल में बायां और बायां है, लेफ्ट लेफ्ट है, जब दोनों लेफ्ट होंगे तो घटाएंगे, तो घटाएंगे 12 में से 5 गया 7वां, दूसरे सवाल में बताएंगे 7वां। तीसरा सवाल राइट और लेफ्ट है, दोनों अलग अलग है, फिर जोड़ेंगे 17वां। और चौथा सवाल दोनों राइट है, ये भी दायां ये भी दायां, राइट राइट है, तो इसमें भी घटाएंगे 7वां। तो 2 में 17वां बताना है, 2 में 7वां बताना है, लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। पहली चीज ये क्लियर हुई, सबसे पहले आप याद रखेंगे दोनों लेफ्ट है घटा दो, दोनों राइट है घटा दो, एक लेफ्ट एक राइट है जोड़ दो, ओके। अब दूसरी चीज इसमें जो आ रही है वो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि किधर से 17वां या किधर से 7वां। तो जब सवाल बनता है तो जिस हाथ को पहले दिया गया है, पहले लेफ्ट है फिर राइट है, तो जिस हाथ का पहले जिक्र है उधर से काउंटिंग होगी। तो पहले बायां है तो ये पहला सवाल है बाएं से 17वां, लेफ्ट से 17वां। अब पहले सवाल का आंसर लेफ्ट से 17वां, लेफ्ट से 17 क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। तो पहले का आंसर आ गया क्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरे सवाल पर, दूसरे पर आते हैं अब हम, दूसरे में हमें बताना 7वां, क्यों बताना, लेफ्ट लेफ्ट है, 12 में से 5 गया 7 बचाना है, किधर से करना है, क्योंकि यहां तो लेफ्ट ही है, लेफ्ट से 7वां। तो दूसरे में लेफ्ट से 7वां है, लेफ्ट से 7वां क्या होता है, जी। तो पहले का आंसर क्यू, दूसरे का आंसर जी, ठीक है। तीसरे सवाल पर आते हैं, तीसरा सवाल लेफ्ट और राइट है, 17वां बताना, जोड़कर बताना है, लेफ्ट और राइट है तो जोड़ेंगे, 17वां बताना है, किधर से बताना है, दाएं से बताना है, दाएं यानी जेड की तरफ, जेड की तरफ से 17वां बताना है। तो जो जेड की तरफ से 17 है वो ए की तरफ से होगा 10वां, अभी तो बताया 27 में से 17 घटाएंगे 10वां, 17 क्या होता है, तीसरे का आंसर है जे, क्यू और जी पहले का और दूसरे का, तीसरे का आंसर आ गया जे, कोई डाउट नहीं, ठीक है। लास्ट सवाल, दाएं से 12वें के दाएं 5वां, दाया दाया तो घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, 7वां बताना है, किधर से, दाएं से, जेड की तरफ से, जेड की तरफ से जो 7वां पर होगा वो ए की तरफ से कितने पर होगा भाई, बोलिए, जो जेड की तरफ से 7वां वो ए की तरफ से 20वां, और ए की तरफ से 20वां क्या होता है, टी। तो आंसर क्या आ गया, एक का आंसर क्यू, दूसरे का जी, तीसरे का जे, चौथे का है टी। चार सवाल, चारों के आंसर अलग है भाई,
समझ में आ गया होगा। ओके सर, अब देखिए अगर आप इसको इस ढंग से समझ रहे हैं तो आपका कोई सवाल नहीं बचेगा। अगर रट रखा होता तो समझिए कि बस थोड़ा सा नियम समझने वाली बात थी, अगर रट रखा है तो गोल्ड होना ही है सवाल। और अभी तो ये मैंने शुरुआत करी है सर, अभी बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, तो अब आपके हमने क्या बताया, फिर से आ जाते हैं, रिपीट करते हैं। लेफ्ट लेफ्ट है घटा दो माइनस कर दो, राइट राइट है माइनस कर दो यानी घटा दो, और लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है तो जोड़ देना है। ठीक है, लेफ्ट राइट है तो जोड़ देना है। काउंटिंग किधर से करनी है, जिस जो हाथ सबसे पहले लिखा हुआ उधर से काउंटिंग करनी है। अब जैसे आ जाइए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दो बार लिखें तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दो बार लिखें तो दाएं से 18वें के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। अब सवाल आया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दो बार लिखे, दो बार लगातार लिखे, तो दाएं से 18वें के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसा भी हो सकता है दो बार में एक बार सीधा लिखे फिर उल्टा लिखे, फिर ये भी कह सकता है कि दो बार की बजाय तीन बार लिखे, एक बार सीधा लिखा फिर उल्टा लिखा फिर सीधा लिखा। तो बहुत तरीके से ये सवाल बन सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं है सर, कैसा भी सवाल बने आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने बेसिक समझा सर। आइए, ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दो बार लिखे, आ जाते हैं क्या करना है। ठीक है, ये करना ना, अंग्रेजी वर्णमाला को दो बार लिखे तो दाएं से 18वें के बाएं 14वां। अब दाया और बाया है भाई, जुड़ेगा या घटेगा बोलिए। बहुत अच्छे, जुड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट है तो जुड़ेगा, जुड़ेगा यानी कि 32वां, 18, 14, 32वां। किधर से, दाएं से, क्योंकि पहले तो दाया है तो दाया किधर है हमारा, इधर हाथ है, राइट हैंड इधर है, तो इधर से 32वां बताना है। क्लियर है, राइट हैंड से 32वां बताना है भाई हमें। तो आ जाते हैं सर, कोई डाउट तो नहीं, इधर से 32वां बताना है तो यहां तक कितने हो गए, 26 हो गए, तो अभी और कितने चाहिए, 6 और चाहिए, 26 हो चुके हैं, 6 और चाहिए। तो आपको ये मानकर चलना, इसको भूल जाओ, अब जेड की तरफ से छठा, जेड की तरफ से छठा कौन सा होता है, यू होता है आंसर, क्योंकि जो जेड की तरफ से छठे नंबर पर है वो ए की तरफ से 21वें पर है, ए की तरफ से 21वां यू हो गया, कोई डाउट। ठीक है भाई, अभी हमने क्या करा, दो बार लिखा, तीन बार लिखें, चार बार लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये नियम हर जगह काम करेगा। अभी थोड़ा और देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी मैंने हटा दिया वो समझ के चलना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 20 में से पलट दें तो, अब जिन्होंने रट रखा है वो यहां पर गए। बीच में से पलटने के भी कई तरीके होते हैं, वो भी अभी आ रहे हैं सर। अंग्रेजी वर्णमाला को बीच में से पलट दे तो, अभी क्या करते हैं, हम दाएं से ले लेते हैं, दाएं से 11वें के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, सिक्स्थ नंबर, लेफ्ट राइट से 11th और लेफ्ट से 6th कौन सा होगा, आ जाते हैं। अब मान लिया यही आ गया, तो पहले हमें करना क्या, देखिए बहुत आसान सवाल ये, और बहुत सारी मतलब वैरायटी बनाई जा सकती है इसमें, बनाई जा सकती है क्या, आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आ जाते हैं, वर्णमाला को बीच में से पलट दें तो वर्णमाला क्या होती है, ध्यान से देखना, मैंने बताया बीच यहां पर होता है, एम और एन पर बीच होता है, तो यहां से हमने पलट दिया बीच में से, तो क्या हो गया, M और L शुरू में पहुंच गए और B और A यहां आ गए और Z और Y यहां, O N यहां, कोई दिक्कत नहीं, बीच में से पलटने का मतलब यही होता है, बीच में से पलट दिया।
इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के आधे भाग को उठाकर पीछे रख दिया, बाद के आधे भाग को पहले लिखे, पहले आधे भाग को बाद में लिखे, ऐसा भी बोला जा सकता है। ऐसा भी बोला जा सकता है पहले को ऐसा ही रखे दूसरे को पलट दें, या दूसरे को ऐसा ही रखे पहले को पलट दें। समझ में आ गया भाई? ओके सर। तो अभी हम मतलब कितना भी बोले आपको उस पर ध्यान देना किस तरह से पलट रखा है, उसके हिसाब से आप आराम से कर सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला को बीच में से पलट दे तो दाएं से ग्यारहवें के बाएं, राइट और लेफ्ट है भाई, जुड़ेगा। जुड़ेगा कितना? ग्यारह और छह, सत्रहवा बताना है। बार बार सत्रह ही आ रहा है यार, सत्रहवा बताना है। किधर से? दाया से, क्योंकि पहले तो दाएं है, जिस हाथ का पहले जिक्र है उधर से, तो इधर से सत्रहवा बताना भाई। तो सत्रह कैसे है? क्योंकि यहां तो अब सिस्टम ही बदल गया, उलट पलट हो गए अक्सर। कोई बात नहीं सर, आपने अगर समझा है तो आराम से कर पाओगे। सत्रहवा बताना है तो यहां तक कितने होंगे? तेरह। यहां तक कितने चाहिए? चार। तेरह और चार सत्रह, तभी तो चाहिए। तो चार पर क्या होता है? डी होता है आंसर, ए बी सी और डी। ठीक है, चाहे तो लिख, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बीच में से पलटना भी आपके समझ में आ गया। थोड़ा और बढ़ते हैं सर। अब देखिए क्या हो रहा है, सॉरी वर्णमाला में बाएं से दसवें के दाएं, वर्णमाला में बाएं से दसवें के दाएं आठवें के बाएं। थर्ड पर कौन सा होगा? ठीक है, वर्णमाला में बाएं से दसवें के दाएं आठवें के बाएं तीसरा कौन सा होगा? लेफ्ट राइट तीन बार आ गए सर, अब ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इसके लिए भी तरीका तो है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर सकता है सर, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन छह बनते हैं सर। ठीक है, और छह भी ये है, अगर उनको आगे पीछे देखेंगे तो और भी सिस्टम बन सकता है। तो इसीलिए ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, पहले अगर ऐसा कभी आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कभी आ जाए तो सिर्फ दो को देखिए, तीसरे को मत देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें के दाएं आठवां, तीसरे को देखो मत ना, शुरू के दो देखिए, तीसरा मतलब जो सबसे बाद में दिया उसको नहीं देखना। सॉरी, शुरू के दो देखिए, बाएं से दसवें के दाएं आठवां। तो अब ये दोनों तो जुड़ेंगे, अठारहवा बताना, दस और आठ अठारह, किधर से? इधर से। तो इधर से अठारहवा बताना है पहले। हमने इधर से अठारहवा क्या हुआ हमारा? आर हो गया, ध्यान रखना सर, इधर से अठारहवा नंबर पहुंच गया हमारा आर। अब ये जो लास्ट का है उसको करना आर के बाएं तीसरा। अब आपको बताना क्या, आर के बाया, आर यहां पर है, अब इसका लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट उल्टा आना है ना, इसका लेफ्ट उल्टा आना है, तो इसका उल्टा, क्योंकि इसका तो लेफ्ट इधर होगा ना, यहां से लेफ्ट की तरफ चलना हमें, हम यहां तक पहुंचे और इसके लेफ्ट जाना, लेफ्ट तो हमारा इधर है, तो इधर की तरफ जाना है। तो तीन कम करेंगे, अब तीन कम करेंगे तो पंद्रह, पंद्रह पर क्या होता है? ओ आंसर आ गया। मैं इसको ये भी बोल सकता था, अगर पहला है इसमें प्लस है, अब इसके साथ बाएं से बाएं है तो माइनस होगा सर, लेकिन वो कंफ्यूज कर सकता है सर, क्योंकि आपने बाई चांस इसकी तुलना सेकंड से कर दी तो आप गड़बड़ कर दोगे। करना वही है, मैंने क्या कहा, पहला लेफ्ट देखा दस, फिर राइट है आठ, फिर लेफ्ट है, अब इसकी तुलना इससे करनी है, तीसरे की भी तुलना पहले से करनी है, लेकिन गलती कहाँ हो सकती है कि कभी दूसरे से ना कर दे, इसलिए मैंने वर्णमाला लिख कर बताई है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप कभी कंफ्यूज होते तो इसको करिए। अब ये कह रहा फिर लेफ्ट है तो माइनस तीन करो, क्योंकि लेफ्ट में से लेफ्ट घटेगा, अगर यहां राइट होता तो प्लस तीन होता, तो अट्ठारह में से तीन गया पंद्रह। जैसे एक और देखिए सर, वर्णमाला में बाएं से, वर्णमाला में बाएं से बारहवें के बाएं सातवें के दाएं नौवें, अक्सर कौन सा होगा?
दो बार लेफ्ट एक बार राइट, ठीक है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो पहले लिखा 12 क्योंकि लेफ्ट है, अब इसमें दूसरा लेफ्ट है, लेफ्ट जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा, और तीसरा राइट है, राइट तो जुड़ेगा, सॉरी क्योंकि ये इसकी और इसकी तुलना करनी है हमें, ठीक है। अब कितना हो गया, 12 9 21, 21 में 7 गया 14, ठीक है 14 हो गया ना ये, तो 14 का मतलब कौन सा हो गया, आंसर आ गया एन, लेफ्ट से क्योंकि लेफ्ट से 14 है ना, ओके। अब क्या हुआ है, अगर आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने क्या कहा, यहां कंफ्यूज होने का चांस बनता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर 6 तरीके बन जाएंगे सर, और 6 जो कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमें क्या था, एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी देखते हैं, तो बाएं से कितना था, 12वें के बाएं 7वें के दाएं 9वां, यही कहा था ना, ठीक है। अच्छा तो बाएं से 12वें के बाएं 7वें के दाएं 9वां पूछा था इसने, तो अब हमें करना क्या है, अगर कंफ्यूज है तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, शुरू के दो देखिए तीसरा मत देखिए, बाएं से 12वें के बाएं 7वां, बायां बायां है जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा, बाएं और बाएं घटेगा, लेफ्ट लेफ्ट घटेंगे, बाएं से 5वां, 12 में 7 गया 5, आंसर आ गया ई, ई आ गया कितना 5वां। अब इस ई के दाएं 9वां, इसके दाईं ओर, इसका लेफ्ट ओर नहीं जाना, राइट की तरफ जाना है, 9 ओर जाना है, तो ये 5 है, 9 ओर जाए तो 9 और 5 14, 14 पर क्या हो गया एन आंसर, ठीक है समझ में आ गया। तो तीन दे दिए तो भी आप कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, अगले उस पर चलते हैं सर। इसके बाद आ जाते हैं हमारा एक और आता है सर इसमें कि भाई बीच में कौन सा आया, बीच में भी तो आ सकता है, तो जो बीच वाला है वो क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें और, याद रखना यहां पर और होगा, से या के नहीं आएगा, ठीक है, वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें और बाएं से 23वें, बाएं से लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से 23वें के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो अगर इनके बीच में पूछा है तो अब आपको करना क्या, ध्यान से सुनना, ये देखना, वो अलग चीज थी, उसमें एक अक्षर बताना था, यहां से इधर आए फिर उससे लेफ्ट चले राइट चले फिर लेफ्ट चले राइट चले, वो था, यहां पर दो अलग अलग अक्षर लिए उनके बीच में बताना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कि अगर दोनों लेफ्ट हैं जैसे, तो इनको जोड़ लो और जोड़कर आधा कर लो, 15 और 23 कितना हो गया भैया, 38, 38 बटे 2 कर दो, 38 का आधा 19, 19वां बताना है, और 19वां मतलब क्या होता है, एस, क्योंकि लेफ्ट से ही चल रहा ना, ठीक है, क्यों करना है उसको देखते हैं सर। सपोज कीजिए आपसे कहे, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, बाएं से 6ठा और बाएं से 10वां, बाएं से 6ठा और बाएं से 10 के ठीक बीच में कौन सा है, तो 6 और 10 16, 16 का आधा 8, 8 पर क्या हो गया, एच हो गया, क्यों हुआ देखते हैं। बाएं से 6ठा क्या होता है, एफ जी एच आई जे, ये 6 पर है ये 10 पर है, ठीक है, एफ और जे के ठीक बीच में आ रहा है एच, चेक कर सकते हो। याद रखना अगर ये दोनों को जोड़कर आधा नहीं हो पा रहा तो समझ जाइए कि उसके बीच में एक नहीं आ रहा, कोई सा एक नहीं आ रहा, दो अल्फाबेट आ रहे हैं, जैसे एक और देखते हैं, बाएं से 4 और बाएं से 4 और बाएं से, चलो हम 7 ले लेते हैं, चलो 9 ले लेते हैं, बाएं से 4 और बाएं से 9वां ले लेते हैं, पूरा लिख लेता हूं मैं, ये 9 है ये 4 है, अब इन दोनों के ठीक बीच में, तो 9 और 4 को हमने जोड़ा
9 और 4 को जोड़कर हमने आधा किया, कितना आ गया 6.5। 13 का आधा भैया 6.5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 6.5 तो पूरा पूरा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई एक अल्फाबेट नहीं आ रहा। 6.5 आने का मतलब 6 और 7 दो अक्षर बीच में आ रहे हैं। तो देखिए इनके बीच में कौन से आ रहे हैं, ये दो अक्षर आ रहे हैं। आई से भी इतना दूर है, डी से भी इतना दूर है, एक अक्षर नहीं है, दो आ रहे हैं। अगर पूरा नहीं कट रहा तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक और चीज़ लेते हैं सर, अब हम यहाँ पर हम एक और चीज़ कह सकते हैं इसमें, लेकिन अगर लेफ्ट और राइट हो तो पहली चीज़ इसमें कम चांस है लेफ्ट राइट का, लेकिन अगर बीच में पूछ रहा लेफ्ट और राइट दोनों दे रखे तो कैसे करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आप सवाल लिखे तो पूरा लिखे भाई, ठीक है, अगर प्रैक्टिस के लिए सवाल लिख रहे तो पूरा लिखे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें और दाएं से, बाएं से 21वें और दाएं से चलिए 16वें अक्षरों के बीच बाएं से 21वें और दाएं से 16वें अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब अगर दोनों लेफ्ट थे तो जोड़कर आधा करना, राइट थे तो जोड़कर आधा करना, लेकिन यहाँ लेफ्ट और राइट है सर, तो क्या करेंगे सर। तो देखिए बाएं से 21वां दे, दाएं से 16वां है, तो जो दाएं से 16वां है ये वाला, दाएं से 16 है, तो ये बाएं से कितना हो जाएगा भाई, 11। अभी तो हमें पढ़ा है क्योंकि 27 में से घटाएं तो ये 11वां कह सकते हैं ना इसे, बाएं से, बाएं से 11। अब ये 21वां बाएं से, ये 11वां बाएं से, दोनों को जो है 32 का आधा 16 है, आंसर आ गया पी, ठीक है। तो दोनों को लेफ्ट कर लिया, जोड़ा हाफ कर दिया, दोनों राइट दे रखे जोड़कर आधा करिए जो भी आएगा, उसके बाद उसको लेफ्ट वाले से कन्वर्ट कर ही लोगे आप 27 में से घटाकर, कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें और दाएं से ही, दाएं से 10वां लिया और दाएं से ही हमने ले लिया 22वां, दाएं से 10वें और दाएं से 22वां के ठीक बीच में कौन सा होगा। अब ये भी दाया है, ये भी दाया है, जोड़ा 32, 32 का आधा हो गया 16, 16वां बताना, लेकिन किधर से, दाएं से, क्योंकि ये तो दाएं को ही जोड़कर आधा किया ना, जो दाएं से 16 है वो बाएं से कौन सा होगा, 11, 27 में 16 घटाया 11, बाएं से 11वां, आंसर आता है के, ठीक है भाई, यहाँ भी क्लियर है, ओके सर। तो अभी हमने आपको वर्णमाला के बारे में बताया, वर्णमाला की बेसिक नॉलेज दी, कैसे लेफ्ट राइट करते हैं ये भी बताया, इसका प्रयोग जो हमने अभी नियम बताए हैं इनका प्रयोग केवल एक चैप्टर नहीं, रीजनिंग के लगभग लगभग 7-8 चैप्टरों में होता है। बेमेल ढूंढना है इन्हीं में ढूंढ सकते हैं, कैसे बेमेल ढूंढना है, मान लिया उसने दे दिया, आया हुआ सवाल है सर ध्यान रखना, आया हुआ सवाल है डी डब्ल्यू जे क्यू एम एन टी एच, या इसको भी एक काम करते हैं हम इसको भी बदल देते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज रहेंगे, इसमें बेमेल बताना है। अब अगर आपके ये वर्णमाला वाला टॉपिक क्लियर है तो आप देखते ही समझ जाओगे, इन दो ये लेफ्ट से 4 राइट से 4, या ये लेफ्ट से 4 राइट से 23, 27 हो गया, यानी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, ये 10 और 10 लेफ्ट से 10 राइट, लेफ्ट से 17 यानी राइट से 10, ये 16 11 27, ये 20 ये 8, आंसर ये आ गया, ये बेमेल है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन करके दे रखा, आप बता सकते हो। मान लिया सीरीज दे रहा है तो भी आप कर सकते हैं, सीरीज में कैसे दिया ध्यान से देखना सर, मान लिया सीरीज दे दी रीजनिंग की और आपको दे दिया इसने, पहले दिया ई आई क्यू
ठीक है। अभी क्या हुआ, ई दे दिया, आई दे दिया, क्यू दे दिया, क्यू के बाद फिर सी दे दिया। अब कह रहा कि इसके बाद क्या आएगा, ई आई क्यू सी। अब कैलकुलेशन अगर आप करने लग गए भाई बहुत टाइम लगेगा इसमें, ज्यादा बड़ी नहीं दी है सीरीज मैंने, छोटी ही दी है। लेकिन अगर आप सिंपल जानते हैं तो ये कितना है, 5, ये 9, ये 17 और ये 3। लेकिन क्योंकि क्यू के बाद सी आया है तो इसका मतलब जेड के बाद सी आएगा, तो जेड के बाद सी का मतलब 29 हो गया। जेड जेड 26 मानेंगे, फिर ए 27, बी 28, सी 29 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 4, 8, 12, 4 जुड़ा, 8 जुड़ा, 12 जुड़ा, 12 के बाद क्या जुड़ना, 16। इसमें 16 और जोड़ना है, 16 और जोड़े तो 3 और 16 19, 19 पर क्या आ गया, एस। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ओके। तो मेन चीज ये है कि ये चाहे कोडिंग डिकोडिंग है, चाहे बेमेल है, चाहे सीरीज है, चाहे स्पेशल स्पेशल वर्णमाला पर ही सवाल है, ये बहुत कुछ हेल्प करने वाला है। कम से कम ए से जेड तक आपकी पूरी पकड़ में होना चाहिए, और पूरी पकड़ का मैंने ये तरीका बता दिया। बहुत सारे हर एक अल्फाबेट को रटते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है सर, देखते ही सब कुछ समझ में आने शुरू हो जाते हैं सर, ये अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं कौन सा कहाँ पर है, आप शुरुआत तो करो इसको। दूसरी बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जेड की तरफ से मत रटना भाई, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजनिंग का कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसको आप इन दो नियमों से नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने क्या बताया कि ए की तरफ से जो वैल्यू है उसको 27 में से घटाइए, जेड की तरफ की वैल्यू आ जाएगी। और ए की तरफ की सारी याद करने की जरूरत नहीं है, ई जो टी याद रखिए, एम एन बीच में ये याद रखिए जो शुरुआत में करा हमने। ठीक है, इस पर मैं और भी बीच बीच में सवाल लाऊंगा, ठीक है। एग्जाम जो दूंगा मतलब आपका मॉडल पेपर कराऊंगा उसमें भी इस तरह के सवाल आते ही रहेंगे आपके सामने। बाकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए भाई, आपकी कोई भी रीजनिंग की किताब है उसमें इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे, पुराने जो पेपर हैं उनमें इस तरह के सवाल मिल जाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।